स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बायोलॉजिकल रिदम्स, के बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, एंड अबाउट द बायोलॉजिकल क्लॉक्स। बायोलॉजिकल रिदम्स को सिंपली बायो रिदम्स भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल रिदम्स बेसिकली हमारी बॉडी की वो एक्टिविटीज़ जो कि एक खास ड्यूरेशन के बाद अपने आप को रिपीट करें, उनको हम बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। सो रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनिजम्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, और ये टाइम ड्यूरेशन, ये टाइम इंटरवल एक दिन का भी हो सकता है, एक मंथ का भी हो सकता है, या एक पूरे साल का भी हो सकता है। बायोलॉजिकल रिदम्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स आर साइक्लिक पैटर्न्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब हमारी बॉडी के किसी फंक्शन के अंदर साइक्लिक तरीके से चेंज आ जाना, आर चेंजेस इन एक्टिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाना, that are in response to periodic environmental changes। और हम बॉडी के इन फंक्शंस के अंदर क्यों चेंज आ रहा होता है, ये क्यों अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, इसके लिए एक फैक्टर इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं। सो ये हमने समझा बायोलॉजिकल रिदम्स को, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझते हैं। इसके एक बेस्ट एग्जांपल हमारी अपनी बॉडी ही में मौजूद है, वेक एंड स्लीप साइकिल इन ह्यूमन। जिस तरीके से हम एक खास टाइम ड्यूरेशन गुजारने के बाद सो जाते हैं, फिर सोने का जो प्रोसेस है वो भी खास ड्यूरेशन तक होता है, फिर उसके बाद उठ जाते हैं, तो जो वेक एंड स्लीप साइकिल है ये हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल रिदम है। बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन, बर्ड्स हमेशा विंटर जोन वाले एरिया से समर जोन वाले एरियाज की तरफ माइग्रेशन करते हैं, ज़्यादातर ये साइबेरियन एरिया से एशियन कंट्रीज़ की तरफ आ रहे होते हैं। इसी तरीके से इंसेक्ट्स के अंदर या फ्रॉग के अंदर हाइबरनेशन भी बायोलॉजिकल रिदम है। फ्रॉग क्या करते हैं कि जब भी कोल्ड इन्वायरमेंट आता है, जब भी विंटर इन्वायरमेंट आता है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट स्टोर कर लेते हैं और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। पर जब भी इन्वायरमेंट मॉडरेट हो जाएगा तो ये दोबारा से ज़मीन से बाहर निकल आ जाएंगे और दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरीके से ब्रीडिंग सीजन इन ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो स्प्रिंग सीजन होता है वो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, इसमें ये अपनी जनरेशन को आगे लेकर जा रहे होते हैं। बायोलॉजिकल रिदम प्लांट्स के अंदर भी होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। प्लांट्स डे टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं और जो नाइट टाइम है उसमें अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, तो ये सारे बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को। जिस तरीके से एक नॉर्मल क्लॉक होता है तो हमें डिफरेंट टाइमिंग्स में बता रहा होता है कि हमने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के इंटरनल भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स परफॉर्म हो रहे होते हैं जो कि हमें बता रहे होते हैं कि हमने कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। हमारी बॉडी के लिए वो एक क्लॉक की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, तो इन इंटरनल मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। द इंटरनल मैकेनिज्म्स बाय विच सच अरिथमिक फिनोमेना अकर्स एंड इज मेंटेन्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ अपेरेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। और फिर एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर वो फैक्टर नहीं भी मौजूद होता, लेकिन चूंकि ये क्लॉक हमारा सेट हुआ होता है तो वो उसी टाइम के अंदर उस एक्टिविटी को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, तो इस इंटरनल मैकेनिज्म को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं, मतलब ये स्टार्ट कैसे होते हैं या इनको स्टार्ट होने के लिए सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं। तो इन सिग्नल्स में से सबसे पहले बात हम करते हैं एक्सोजीनस या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की, मतलब कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसके अंदर किसी फैक्टर के अंदर चेंज आ जाना, कोई चीज़ इंक्रीज हो जाना या किसी चीज़ का डिक्रीज हो जाना, तो ये स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर प्रोसेस रिपीट होने लगता है। इसकी एक एग्जांपल है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स जिस तरह पहले भी हमने बात की कि सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ जा रहे होते हैं, माइग्रेशन कर रहे होते हैं, तो टेम्परेचर का डिक्रीज हो जाना ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसको बर्ड्स माइग्रेशन की सूरत में रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एंडोजीनस या इंटरनल स्टिमुलाई भी बायोलॉजिकल रिदम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में किसी फैक्टर के अंदर चेंज आ जाना, जिस तरीके से कोर बॉडी टेम्परेचर है इसमें चेंज आ जाना, या जो हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल है इसमें वो जो पर्टिकुलर हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हम सो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा बायोलॉजिकल रिदम्स हैं तो ये एक्सोजीनस या एंडोजीनस स्टिमुलाई की वजह से कंट्रोल हो रहे होते हैं, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म हम करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अकॉर्डेंस में ले आते हैं, मतलब कि हम एक्सोजीनस स्टिमुलाई को एंडोजीनस स्टिमुलाई के साथ कोऑर्डिनेशन में ले आते हैं। नॉर्मली द इंटरनल रिदम्स वर्क इन सिंक्रोनाइसिटी या कोऑर्डिनेशन विद द एक्सोजीनस टाइम पीरियड।
हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से चेंज होने लगता है, तो हमारी बॉडी में वो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिदम रिपीट होने लगता है। तो ये हमने स्टडी किया उन स्टिमुलाई के बारे में जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल रिदम्स हम रिपीट हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बायोलॉजिकल रिदम्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स मेंटेन इंटरनल क्लॉक। मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी के अंदर इस क्लॉक को मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर हम इस क्लॉक के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ले आए, कोई चेंजेस ले आए, तो ये हमारी बॉडी को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। द बेसिक पीरियड ऑफ द क्लॉक इज इनेट। अब कितने टाइम पीरियड के बाद कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी हमारी बॉडी में रिपीट होगी, ये चीज़ इनेट होती है। ये चीज़ बाय बर्थ से ही हमारी बॉडी को पता होता है कि कब इसने कौन सा काम करना है, कब इसने कौन सी एक्टिविटी को रिपीट करना होगा। द रिदम्स आर इन वंस जीन्स बट द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द रिदम्स टू सम एक्सटेंट। ऑल दो के ये जो इंटरनल मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इनके लिए हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट उन जीन्स की एक्टिविटीज़ पर इन्वायरमेंट का असर भी होता है। जिस तरीके से हमने वेक एंड स्लीप साइकिल में कहा कि इसके लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि हमें सुलाता है, लेकिन ये हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब बाहर इन्वायरमेंट में अंधेरा हो जाए। तो अंधेरे की वजह से हमारे जीन्स ने वो पर्टिकुलर हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। तो जीन्स का भी असर है और इन्वायरमेंट का भी असर होता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बायोरिदम्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहली टाइप है सर्कैडियन रिदम्स। ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर और बहुत ज़्यादा स्टडी किए जाने वाली बायोरिदम की एक टाइप है। सर्कैडियन एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। सिरका का मतलब होता है अबाउट और डाइस का मतलब होता है डे। तो इट मीन्स कि ये वो वाले बायोलॉजिकल रिदम्स हैं जो कि एक दिन के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे, जो कि 24 आवर्स के बाद हम रिपीट हो रहे होते हैं। तो इन बायोलॉजिकल रिदम्स में ह्यूमन बॉडी से एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई है कि जो बॉडी टेम्परेचर है तो वो भी एक बायोलॉजिकल रिदम है। हमारे दिन के टाइम बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि दिन के टाइम डाइजेशन हो रही होती है या मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि नाइट टाइम में चूँकि ना इतनी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ना डाइजेशन के हवाले से मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। इस तरीके से हमारे ब्लड के प्रेशर में भी दिन और रात के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यूरिन प्रोडक्शन डे के टाइम ज़्यादा होता है और रात के टाइम नहीं होता या ना होने के बराबर होता है। इसी तरीके से स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल है। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि वर्किंग रूटीन में हम जिस अलार्म के साथ उठते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 6 o'clock का अलार्म लगाया हुआ होता है अपनी वर्किंग रूटीन में, तो जब छुट्टी वाला दिन होता है आप ये इरादा कर कर सोते हो कि हमने लेट उठना है, लेकिन जैसे ही 6 o'clock बजता है तो आप खुद बहुत उठ जाते हैं। हालांकि उस दिन आपने अलार्म ऑफ किया होता है, लेकिन चूंकि आपके अंदर का बायोलॉजिकल क्लॉक उसी 6 o'clock के साथ फिट हुआ होता है, तो आप छुट्टी वाले दिन भी उसी टाइम के अकॉर्डिंग उठ जाते हो जिस टाइम के अकॉर्डिंग आप वर्किंग रूटीन में उठते हो। इसी तरीके से पैटर्न्स ऑफ हार्मोन सिक्रीशंस। कुछ हार्मोन्स हमारे ऐसे हैं जो कि डे टाइम में सिक्रीट होते हैं और कुछ हार्मोन्स हमारे ऐसे हैं जो कि रात के टाइम सिक्रीट होते हैं। जिस तरीके से ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन तब रिलीज होता है जब रात के टाइम हम सो रहे होते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डाइजेस्टिव सिक्रीशंस भी ओनली डे टाइम ही में हो रहे होते हैं, नाइट टाइम में नहीं होते हैं। और जो हमारे अलर्टनेस का लेवल है वो भी डे टाइम में ज़्यादा होता है। डे टाइम में हम अलर्ट रहते हैं, रात के टाइम हम अलर्ट नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। तो ये तो हमारी बॉडी के लिहाज से कुछ चेंजेस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है इसी सर्कैडियन रिदम्स के हवाले से। इनमें से एक है डायर्नल एनिमल्स। डायर्नल हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि ओनली डे टाइम में एक्टिव रहते हैं, जिस तरीके से ह्यूमन है या हनी बीज है या पिजन है, तमाम के तमाम बर्ड्स तकरीबन ये सारे डायर्नल होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दिन के टाइम बर्ड्स अपने घोंसलों से निकल आते हैं, दिन भर इधर उधर फिरते रहते हैं, अपनी खुराक वगैरह तलाश करते रहते हैं। जैसे ही असर का टाइम आता है या मगरिब का टाइम आता है तो ये बर्ड्स अपने घोंसलों को वापस आ जाते हैं। तो बर्ड्स डायर्नल एनिमल्स होते हैं। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स को हम नॉक्टर्नल कहते हैं। नॉक्टर्नल वो एनिमल्स होते हैं जो कि ओनली
नाइट टाइम में अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। आपने कॉकरोचेस को देखा होगा, चूहों को देखा होगा, वो जस्ट रात को निकलते हैं। इसी तरीके से आउल है, बैट्स या पिग्स एक्सेट्रा, ये सारे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं क्रेपस्कुलर। ये एनिमल्स बिजी रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क या बोथ, मतलब कि जो सनराइज़ का टाइम है या सनसेट का टाइम है, सूरज के तुलू होने का टाइम या सूरज के गुरूब होने का टाइम, सिर्फ इसी ड्यूरेशन के अंदर ये अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। बाकी डे या नाइट के ड्यूरेशन में ये इनएक्टिव हमने रहते हैं। इसमें एक एग्जांपल है फेडलर क्रैब, एक टाइप का क्रैब है, ये भी क्रेपस्कुलर एनिमल है। रैबिट्स क्रेपस्कुलर होते हैं, इवनिंग के अंदर ये अपनी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म कर रहे होते, ज़्यादा एक्टिव होते। इसी तरीके से ज़्यादातर मॉस्किटोज़ क्रेपस्कुलर होते हैं। जिस तरीके से आपने डेंगी वायरस को स्प्रेड करने वाला जो मॉस्किटो है, इसके बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा, प्रिकॉशंस में भी बताया जाता है कि जो डॉन एंड डस्क का टाइम है, जो सनराइज़ का टाइम है या सनसेट का टाइम है, उस दौरान में इस मॉस्किटो से हम अपनी बॉडी को बचाएं, या अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा, प्रिकॉशंस में कहा जाता है, क्योंकि ये मॉस्किटो क्रेपस्कुलर होता है। जबकि कुछ मॉस्किटोज़ ऐसे हैं जो कि नॉक्टर्नल होते हैं। तो आपने इनको किस तरीके से याद करना होता है, डी फॉर डायर्नल एंड डी फॉर डे। तो वो एनिमल्स जो कि डे के टाइम एक्टिव हैं उनको हम कहते हैं डायर्नल, एंड एन फॉर नॉक्टर्नल एंड एन फॉर नाइट, जो कि नाइट के टाइम एक्टिव है तो उनको हम कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो ये हमने स्टडी किया अबाउट सर्कैडियन रिदम्स। नेक्स्ट टाइप है सर्कलियर रिदम्स, या जिनको हम मंथली रिदम्स भी कहते हैं। जिस तरीके से चांद अपना पूरा एक साइकिल 29 या 30 डेज में हम कंप्लीट करता है, इस तरीके से ये रिदम्स हमारी बॉडी के अंदर एक मंथ की ड्यूरेशन के बाद रिपीट होने लगते हैं। इसमें से एग्जांपल है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वोमेन, जो कि 28, 29 या 30 डेज के बाद रिपीट होने लगता है। थर्ड टाइप है बायोलॉजिकल रिदम्स की, सर्का एनुअल रिदम्स। एनुअल का मतलब होता है ईयरली। तो ये ऐसे बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं जो कि 365 डेज या वन ईयर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जिस तरीके से बर्ड्स माइग्रेशन है, बर्ड्स साल में एक दफ़ा माइग्रेशन करते हैं। ब्रीडिंग सीजन है, जिस तरीके से स्प्रिंग ब्रीडिंग सीजन होता है। हाइबरनेशन, सर्दियों ही में हाइबरनेशन करते हैं। फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स साल में एक ही दफ़ा फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और एक ही दफ़ा उन फ्लावर्स से फिर फ्रूट्स बनते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। हम अपनी बॉडी में बायोलॉजिकल रिदम्स क्यों कर रहे होते हैं, इस बायोलॉजिकल क्लॉक की क्या इंपॉर्टेंस होती है। By this clock, living organisms can predict and prepare for the periodic changes that are cyclic in nature. अगर एकदम से हमारी बॉडी के लिए कोई चेंज आ जाए, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो या इंटरनल इन्वायरमेंट में हो, तो उसके लिए फिर बॉडी उस लिहाज से प्रिपेयर नहीं हो रही होती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी को पहले से पता हो कि इन्वायरमेंट के अंदर ये चेंज आएगा या हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में ये चेंज आएगा, तो फिर उस चेंज के अकॉर्डिंग बॉडी ने अपने आप के अंदर ही ज़रूरी ज़रूरी बातें परफॉर्म कर लेनी होती है। अब जैसे किसी हम एग्ज़ाम्पल ले लें हाइबरनेशन की, अगर फ्रॉग हाइबरनेशन के लिए अपनी बॉडी के अंदर फैट्स ना स्टोर करे और बस वो एकदम ही से हाइबरनेट हो जाए, वो एकदम ही से इनएक्टिव हो जाए, तो फिर वो कहाँ से खाएंगे, फिर उनको अपनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर तो कोई उनको खुराक नहीं मिलने वाली। तो इसलिए वो अपनी बॉडी में फैट्स की डिपोजिशन करते रहते हैं हाइबरनेशन में जाने से पहले। तो ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये ऑर्गेनिज्म को उन चेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं जो कि उनकी बॉडी ऑब्जर्व करेगी। और इन बायोलॉजिकल रिदम्स में से जो सर्कैडियन रिदम्स हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। द सर्कैडियन रिदम्स आर कंट्रोल बाय द सुप्राकियोस्मेटिक न्यूक्लियाई, जिसको हम सिंपली SCNB कहते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है हमारे हाइपोथैलेमस में। हमारा हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने ब्रेन वाले टॉपिक में इसको पढ़ा भी होगा कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे बायो रिदम्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, इसमें एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसको हम SCN कहते हैं। ये जो एरिया है ये हाईली सेंसिटिव होता है लाइट की ड्यूरेशन के लिए या जो डार्कनेस है उसकी ड्यूरेशन के लिए, और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, और फिर ये हमारे ब्रेन में एक दूसरा ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड, उसको इंफॉर्मेशन देता है। इट टेक्स इंफॉर्मेशन ऑन द लेंस ऑफ द डे एंड नाइट फ्रॉम द रेटिना। रेटिना के थ्रू ये इंफॉर्मेशन ले लेता है हाइपोथैलेमस का ये स्पेसिफिक पार्ट, फिर उसको इंटरप्रीट कर लेता है और फिर ये पीनियल ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब पीनियल ग्लैंड क्या करता है, इन रिस्पॉन्स द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन मेलाटोनिन।
ये हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसको हम कहते हैं स्लीप हार्मोन। और ये तब रिलीज होता है जब अंधेरा होता है, जब हमारे रेटिना को अंधेरे का स्टिमुलस मिल रहा होता है, तो तब ये जो पीनियल ग्लैंड है इसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर ये मेलेटोनिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन पीक्स एट नाइट, नाइट टाइम में ज़्यादा होती है, इसलिए हमें नींद आती है इस मेलेटोनिन की वजह से, और डे के टाइम में इसकी सिक्रीशन डिक्रीज होने लगती है, तो हम दिन के टाइम में जाग जाते हैं। तो ये हमने सारा हमने डिस्कस किया अबाउट द बायोलॉजिकल रिदम्स कि हमारी बॉडी की कुछ एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर रिपीट हो रही होती है, और इन रिपीटेशन के लिए, इन बॉडी फंक्शंस को रिपीट होने के लिए जो सिग्नल्स हैं वो एनवायरनमेंट से भी मिल सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं, या हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को इंटरनल स्टिमुलाई को कंबाइन कर हम अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उनको रिपीट करवा रहे होते हैं, और जो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम ये सारा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। थ्री टाइप्स के हमने बायोलॉजिकल रिदम्स डिस्कस किए, सर्कैडियन रिदम्स, सर्कलियनर रिदम्स एंड सर्का एनुअल रिदम्स, और हमने कहा कि ये बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारी बॉडी आने वाले चेंजेस के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेती है। और जो सर्कैडियन रिदम्स हैं ये कहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं, ये हाइपोथैलेमस में स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम कहते हैं सुप्राकियोस्मेटिक न्यूक्लियाई, ये रेटिना से डार्कनेस की इंफॉर्मेशन लेता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और फिर हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के करीब एक दूसरा छोटा सा ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देता है, पीनियल ग्लैंड इंफॉर्मेशन को जब रिसीव करता है तो ये रिलीज करने लगता है स्लीपिंग हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन की वजह से हमें नींद आने लगती है, और ये मेलाटोनिन दिन के टाइम नहीं रिलीज होता है, रात के टाइम रिलीज होता है।